हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि सीटेट 2023 जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, और नोटिफिकेशन ही नहीं, डायरेक्ट यह अप्लाई करने के लिए फॉर्म आ गया है और आज ही से यह फॉर्म भरा जा रहा है, आज ही से यह स्टार्ट है। पहले क्या होता था कि पहले दो या तीन दिन पहले नोटिफिकेशन आता था, फिर उसके बाद से जाकर के अप्लाई करने के लिए आता था। लेकिन सीटेट वालों ने इस बार क्या किया है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप सीटेट के वेबसाइट पे चले जाइए, या तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी सरकारी रिजल्ट पे नहीं आया है यह फॉर्म, लेकिन एक दो घंटे में यह सरकारी रिजल्ट पे भी यह फॉर्म आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, साथ ही साथ इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। सीटेट की तैयारी कैसे करें, क्या होनी चाहिए, इस बार की रणनीति हमारी जो कुछ नंबरों से चूक गए थे, जो एक दो नंबरों से चूक गए थे, कैसी आप लोगों की इस बार की रणनीति होनी चाहिए, पूरी बातें हम लोग इस क्लास में, इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये सीटेट जुलाई 2023 फॉर्म के बारे में। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, किस दिन से अप्लाई होगा, तो यह आज ही से 27/4/2023 से यह फॉर्म भरा जा रहा है। साथ ही साथ इसका लास्ट डेट भी दे दिया गया है 26/5/2023, यानी आप लोगों के पास पूरा एक महीना है, इस फॉर्म को भर दीजिए। लेकिन एक महीना मत देखिएगा, क्योंकि एक महीना पिछली बार लोग भी ऐसे किए थे कि एक महीना देख के लोग लास्ट में भर रहे थे फॉर्म, और उनका सेंटर क्या हुआ था, बहुत दूर दूर भेज दिया था। जैसे क्या हुआ था कि गोरखपुर वालों का सेंटर नोएडा भेज दिया था, इलाहाबाद भेज दिया था, ऐसे सेंटर अपने जिला में नहीं मिला था जो लोग फॉर्म लेट से भरे थे। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अभी से आप लोग एक दो तीन दिन चार दिन दस दिन में पूरा फॉर्म आप लोग फिलअप कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सीटेट का एग्जाम देने के लिए दूर ना जाना पड़े, अदर जिला में ना जाना पड़े, आप लोगों को आप ही के जिला में सेंटर मिल जाए। इसीलिए आप लोग पहला प्रेफरेंस अपना जिला डालिए और जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर लीजिए। ये मत देखिए कि फॉर्म के लिए एक महीना आप लोगों को समय दिया गया है। अगर हम फीस की बात करते हैं कि इस फॉर्म के लिए फीस कितना रखा गया है, तो हमेशा की तरह इस बार भी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए फर्स्ट पेपर यदि आप केवल भर रहे हैं तो उसके लिए है 1000 रुपया, अगर दोनों पेपर भर रहे हैं तो उसके लिए है 1200 रुपया। वहीं अगर हम बात करते हैं एससी और एसटी की, तो केवल आप फर्स्ट पेपर भर रहे हैं तो है 500 और दोनों पेपर भर रहे हैं तो 600 है। तो क्यों 200 के लिए 100 रुपया के लिए क्यों हम एक ही पेपर भरने जाएं, आप लोग दोनों पेपर भर दीजिएगा। चाहे पता चलता है कि कोई फर्स्ट पेपर पास है और सेकंड नहीं पास है तो केवल हम सेकंड भरेंगे, लेकिन आप लोग दोनों पेपर भरिएगा। यहां पे 100 रुपया 200 रुपया मत देखिएगा, नंबर क्या होगा इससे और कॉन्फिडेंस होगा आपको, और नंबर और अधिक लाने की चांसेस रहेंगे अगर आप दोनों एग्जाम में बैठते हैं तो। यदि आप एक एग्जाम पास हैं तो ये मत देखिए कि मुझे एक ही एग्जाम और पास करना है, आप लोग दोनों एग्जाम में बैठिए, 100-200 की बात नहीं है, आप लोग दोनों एग्जाम में बैठिए और फॉर्म जल्दी से जल्दी जितना जल्द हो सके आप लोग भर दीजिए। इस फॉर्म के लिए एग्जाम भी आप लोगों का तय कर दिया गया है कि जुलाई और अगस्त में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, और रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा कब, सितंबर 2023 में। इस सारा डिटेल पूरा दे दिया गया है कि कब आपका एग्जाम होना है, कब आपका रिजल्ट देना है। आप लोगों के पास है मात्र 100 दिन। ये 100 दिन आप लोगों को कैसे रणनीति के साथ काम करना है, क्या आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए, क्या आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, कैसी आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, पूरी बातें आप लोग अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, कैसे आप लोगों की इस 100 दिनों में तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आप लोग जैसे ही फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आप फ्री हो जाते हैं, आपका माइंडसेट एकदम फोकस करेगा केवल पढ़ने और पढ़ने पे। केवल आपको ये दिखना चाहिए कि हमारे पास मात्र 100 दिन है और 100 दिन में हमें क्या करना है, लंका मतलब कि कायम कर देना है। 100 दिनों में 130+ नंबर हम लोगों को क्या करना है, लेकर के आना है।
चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, आप 100 दिनों में अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरी रणनीति के साथ आप लोगों को काम करना होगा। आप लोग अगर हमारे पुराने वीडियो में जाएंगे जो सीटेट के लिए पड़ा हुआ है, अगर आप सीटेट की पुरानी वीडियो में जाएंगे तो उसमें नीचे कई कमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप लोगों को और ऊर्जा मिलेगी। लोग जब ये पिछला सीटेट का रिजल्ट आया था तो उसमें भी पॉजिटिव कमेंट आए थे, खूब सारे पॉजिटिव कमेंट आए थे कि सर मैं अच्छे नंबरों से पास हो गए, सिर्फ आपकी बदौलत, आपका सब्जेक्ट पढ़ के, आपका क्लास देख करके। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पुराना वीडियो देखिए, साथ ही साथ अब नए सिरे से पूरे 100 दिन की रणनीति के साथ पूरा सब्जेक्ट आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा, पूरा सब्जेक्ट थ्योरी के साथ साथ पूरा आप लोगों को प्रश्न आंसर भी कराया जाएगा, मतलब क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप लोग इसके लिए चिंता नहीं करिएगा कि 100 दिन ही बचा है, कैसे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या तरीका होनी चाहिए, पूरा हम लोग विस्तार से करेंगे, थ्योरी के साथ साथ प्रश्न और उत्तर भी करेंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पूरे सब्जेक्ट का। हाँ, उर्दू का नहीं हो पाएगा क्योंकि उर्दू हम लोग जानते नहीं है और पढ़ाते भी नहीं है। पिछली बार देखा होगा आप लोगों ने, पूरे सब्जेक्ट का मैराथन क्लास लिया गया था जिससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ था, चाहे वो EBS का हो, चाहे वो इसका मैथ का हो, चाहे CDP का हो, संस्कृत का हो, पूरा आप लोगों को मैराथन उसका दे दिया गया था। NCERT का दिया गया था मैराथन, फूल पत्ती का दिया गया था, जानवर का दिया गया था, पूरा सब कुछ मैराथन आप लोगों को दे दिया गया था अंत समय में, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। इस बार भी मैराथन के साथ साथ प्रश्न आंसर दिए जाएंगे, साथ ही साथ पूरा थ्योरी आप लोगों को पहले क्लियर कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग नए हैं पूरी क्लास देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो भी देख लीजिए, और नए जैसे ही हम लोग अभी एक दो दिन में जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी आप लोग पूरा क्लास देख लीजिएगा, सब कुछ नए सिरे से, सब कुछ मतलब कि अपडेटेड फॉर्म में, क्या एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हिसाब से सब कुछ कराया जाएगा। बस आप लोगों की अप्रोच, आप लोगों की फोकस, आप लोगों का ध्यान बस किस पे होना चाहिए, बस यहां 100 दिन पे होना चाहिए कि हमारे पास कितना है, मात्र 100 दिन है, और इस 100 दिन में हमें कितना नंबर लेकर के आना है, 130 प्लस नंबर लेकर के आना है। 130 प्लस मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि OBC के लिए 82 और जनरल के लिए 90 यही मतलब कि होता है, SC ST के लिए भी 82 यही हमारा कट ऑफ होता है केवल पास करने के लिए। लेकिन कई सारे राज्यों में, कई सारे नहीं, अभी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्या हुआ है कि मतलब कि यह कह दिया गया है कि अब टेट और सीटेट के मतलब कि इसका भी परसेंटेज लिया जाएगा। तो हमारा इसमें जिनका एकेडमी में कम है या फिर जिनका मतलब कि कम गुणांक बन रहा है, इनको अधिक से अधिक अपना कवर कर सकें, इसलिए हमें इसमें अपना क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। तो हमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी तैयारी करें, इसको ध्यान में रख करके हमें अपनी तैयारी करनी है। इस 100 दिन को ध्यान में रख करके हमें अपनी तैयारी करनी है। पिछले जितने लोगों ने कमेंट किया था, जिस तरह से लोग पर्सनल SMS किए थे कि सर हमको नोट्स चाहिए, जिस भी प्रकार से लोगों ने हेल्प मांगी, सबको वो हेल्प मतलब किया गया, उनको सभी तरह के सभी नोट्स प्रोवाइड किए गए, व्हाट्सएप से लगाए, हर एक मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका आप लोगों को नोट्स भी दे दिया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है ये 100 दिन। ये 100 दिन आपकी तकदीर बदलेगा, आपका पूरा रिजल्ट बदलेगा। ये 100 दिन, 100 दिन को हमें एक पूरी रणनीति के साथ हमें देख लेकर के चलना है कि क्या हमारी कैसे अप्रोच सब कुछ होनी चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा नंबर पा सकें। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा, और जो भी लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी भाई बंधु आपके बीच
टीसी बीए डीएलएड किए हैं उनके तक भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो बीएड बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं उनके तक भी यह वीडियो पहुंचा दीजिए और बता दीजिए कि आ गए हैं ए टू जेड क्लासेस वाले। अब आप लोगों की तैयारी नहीं रहेगी अधूरी, हर तैयारी होगी आप लोगों की पूरी। बस ध्यान से रहिएगा, हमारे साथ लगे रहिएगा, सब कुछ आप लोगों को नए सिरे से सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। बस आप लोग हमारा सहयोग कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं जैसे ही क्लास शुरू होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।